हाँ जी मित्रों, मेरे कब लो आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में परे न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं MMA बंडाई वर्सेस किंग की कंट्रोवर्सी के बारे में। अभी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से MMA बंडाई और ऑल्सो किंग के बीच में भाई लफड़ा वगैरह हो गया है। बेसिकली हुआ ये था कि आज से कुछ टाइम पहले किंग ने एक डिस्ट्रैक अपलोड किया था भाई यार MMA को डिस करते हुए। अब बेसिकली किंग का तो ये कहना था कि उन्होंने यार इतना गंदा डिस नहीं किया था MMA को, सिर्फ वो अपना ओपिनियन वगैरह शेयर कर रहे थे एंड इस पे MMA जो है वो भड़क गए थे। तो MMA ने अपने काफी ज्यादा पॉपुलर रैपर हैं, उन्होंने भी भाई डिस कर दिया है MMA को उसी सेम डिस्ट्रैक के अंदर। एंड जब भाई लोगों ने किंग का न्यू डिस्ट्रैक सुना तो लोग भाई बिल्कुल शॉक हो गए कि ये बेला की एंट्री अचानक से कैसे हो गई। अब उनके उसी वाले डिस्ट्रैक का मैं आप लोगों को एक लाइन भी सुना देता हूं, ज्यादा लाइन सर नहीं सुना पाऊंगा ड्यू टू कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है, जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक, कहती पहले वाला नीच है, उन्हें मैं कैसे बोलूं इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं, सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। ऑल्सो भाई इस वाले डिस्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों के क्या ओपिनियंस थे मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स भी दिखा देता हूं, कुछ यूट्यूबर्स ने भी यार कमेंट वगैरह किया था, आप लोग देख पा रहोगे। अब देखते हैं भाई कि किंग का यार दोबारा से रिप्लाई करते हैं MMA बंटाई नए डिस्ट्रैक्ट में या फिर नहीं। मेरे को तो भाई लग रहा है कि MMA यार दोबारा से रिप्लाई कर सकते हैं किंग का, बिकॉज भाई ये लफड़े में पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई, सब एक दूसरे के डिस का रिप्लाई ही कर रहे हैं रात के 12-12 बजे। अब जब लोगों को भाई ये पता चला कि किंग के न्यू डिस्ट्रैक में भाई बेला ने भी डिस कर दिया है MMA बंटाई को, तो इसके बाद में MMA के जो फैंस हैं वो बेला को जाके बहुत ज्यादा गालियां वगैरह दे रहे थे, हेट वगैरह दे रहे थे। तो इस चीज पे बेला ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी, इसमें वो कहते हैं जिनको जो बोलना है मुझे बोलो, मैंने जो किया मेरे यार के लिए किया, किंग तब आया जब नो वन केयर्ड, किधर है बेला, सिर्फ मेरे फैंस के साथ में MMA भाई पहले DM का रिप्लाई दे दो, फिर शाउट आउट इट विल मेक मोर सेंस, बाकी मेरा नाम लेके दोस्तों की लड़ाई ये चुपा हजम नहीं होता, लास्टली बीफ चाहिए तो मुझे पता है मेरा नाम क्या है, फिलहाल दैट्स इट फॉर माय एंड। बाकी क्या आप लोग भी यार बेला को किंग के डिस्ट्रैक्ट में देख के यार शॉक हो गए थे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई इस डिस्ट्रैक्ट के ऊपर, एंड ऑल्सो उनका जो लफड़ा चल रहा है बेसिकली किंग एंड MMA के बीच में, एंड ऑल्सो बेला की वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर हम लोग लफड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई एक नया लफड़ा स्टार्ट हो गया है भाई अदनान 07 के भाई अब्दुल एंड भाई अलविश यादव के दोस्त लक्ष्य के बीच में। बेसिकली हुआ क्या कि आज से कुछ महीने पहले आप लोग को याद होगा कि जो अदनान के भाई हैं डी अब्दुल, उन्होंने एक डिस्ट्रैक अपलोड कर दिया था भाई अलविश यादव के ऊपर, तो इसी का भाई रिप्लाई करते हैं एक महीने बाद अलविश यादव के दोस्त लक्ष्य, एंड उन्होंने काफी क्रेजी एक रोस्ट वीडियो अपलोड कर दी भाई अदनान एंड ऑल्सो उनके भाई के ऊपर। उसके वीडियो में आप लोग को एक छोटे से पार्ट को दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को आइडिया हो जाए। कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। देखो अटेंशन की भीख कैसे मांगते हैं, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा, हम दे रहे तेरा रिप्लाई, सबर तो कर। बंदा जो बदले भेस जैसे बदले की जनता, कान चेक तेरा सुधर जाएगा, मेरे भाई से लड़के सीधा गुजर जाएगा, तेरा फेम का बुखार बेटा उतर जाएगा। अच्छा गाया है भाई ऑटो ट्यून ने, ये जैसे रैप बनाता है ना, इसके चैनल का नाम डी अब्दुल नहीं सी अब्दुल होना चाहिए, और ये अब्दुल नाम इतना कॉमन है ना कि इसकी माँ बाप ने ना इसका नाम सोचने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करा होगा। मतलब तुम्हारी अनक्रिएटिविटी खानदानी है। इनके पेरेंट्स को है ना अदनान से डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद अब्दुल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट अब्दुल के बाद इन लोगों ने कोई भी बच्चा पैदा नहीं करा। देवर लाइक बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं है। इसके भाई ने गाना बनाया था। अब देखो गाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा इस बाबा सीर को, क्योंकि गाने में ना कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि सुर। इसमें सुर तो नहीं, दो सुअर जरूर थे। बाकी गानों में ना ताल होती है, इसमें दो छिनाल थे। बट भाई देखो कैसा भी हो आर्ट तो आर्ट होता है, और हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए बीट चोरी करने का। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गाना अब्दुल ने नहीं लिखा, ये किसी और से लिखवाया इसने, और आई वॉज लाइक यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना घटिया और वाहियात गाना कोई और तो नहीं लिख सकता, यही छिनाल होगा साला। अरे सुअर, अगर तू इसको रैप बोलता है ना, एक बार अपना कमेंट सेक्शन खोल के देख, जो लोगों ने तेरे को गालियां बकी है ना उसकी राइमिंग स्कीम भी तेरे गाने से अच्छी है। बट कुछ भी कहो, प्यार इन दोनों में बहुत ज्यादा है,
दोनों भाई मिल बांट के जितनी भी गालियां होती है ना आपस में बांट लेते और खा लेते। तो जब लक्ष्य ने ये वाला यार वीडियो अपलोड किया रोस्ट करते हुए डी अब्दुल एंड ऑल्सो अदनान का, तो इसके बाद में ये वाली वीडियो यार डी अब्दुल तक पहुंच गई है। डी अब्दुल यार रिएक्ट करते हैं इसी चीज पे, रिप्लाई करते हैं लक्ष्य को। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे टेक्स्ट लिखा सबसे पहले, एंड वो कहते हैं ये पता नहीं कौन लोग हैं, अब सबके लेते हैं, बिजी हद पार कर रखे हैं ये लोग, फैमिली के ऊपर और खानदान के ऊपर जाके क्या मिलेगा, अब अच्छे से उड़ता तीर बाप तेरा आएगा वापस। एंड इतना ही नहीं भाई, उन्होंने एक वॉइस मैसेज भी सेंड किया अपने बोर्ड का चैनल पे, देखिए आप लोग। इनके बाप का सिस्टम अपन हैंग कर दिया ना, इनके बाप के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, तो बिल में घुसा है, छुपा हुआ है, अपने नाजायज औलादों को भेज रहा है, समझ रहे हो क्या बोलने का। मुंह से मूंगफली नहीं टूटती, अखरोट तोड़ेंगे ये लोग। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है भाई, कि उनके चैनल ने क्रॉस कर लिया है 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लिटरली अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 51.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं ऑलरेडी भाई। एंड मोस्टली भाई जितने भी बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स थे, जैसे कि भाई टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी, सबको ही भाई क्रॉस कर दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब देखते हैं भाई कि वो कौन से और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को करते हैं क्रॉस। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के एक नए लफड़े के बारे में। तो हाँ भाई, ध्रुव राठी ने एक नया लफड़ा चालू कर दिया है इंटरनेट पे। अब ये लफड़ा स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके रूट्स बताता हूँ। हुआ क्या कि कल ही इस चीज को रिवील किया गया कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स सबको भाई एक सैलरी पे करेगी, जो की सैलरी 2 लाख से लेके 8 लाख तक टेक प्लेस करेगा। एंड ये सैलरी किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाएगा एंड ऑल्सो किस लिए दिया जाएगा, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या कि ये बताया गया कि जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेसबुक के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भाई कुछ 2 से 5 लाख के अराउंड मिलेगा, एंड यूट्यूबर्स जो हैं उनको 5 लाख से 8 लाख के अराउंड मिलेगा। अब ये इन्फ्लुएंसर्स को पैसा गवर्नमेंट इसलिए दे रही है, जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने यार इंस्टाग्राम फीड पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भाई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनको पब्लिक तक लाए, उनको पब्लिक तक बताए। जो भी यूपी गवर्नमेंट यूपी में यार चीजें ला रही है, जो स्कीम ला रही है, उनको लोगों को बताना, इसलिए यार वो पैसे वगैरह दे रहे हैं यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को। लेकिन इस चीज पे जो ध्रुव राठी है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं भाई अभी के टाइम पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से। एंड यहाँ पर ध्रुव राठी का ये कहना है कि यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने का ट्राई कर रही है यूपी गवर्नमेंट, एंड इसी बात के वो उनको रिश्वत दे रही है, इसी बात के वो उनको पैसे दे रही है। तो इस चीज पे सबसे पहले तो ध्रुव राठी ने एक ट्वीट कर दिया जहां पर वो कहते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेइंग इट विल पे अप 8 लाख टू इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट द गवर्नमेंट, दिस इज लीगलाइज्ड ब्राइबरी फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी एंड इन्फ्लुएंसर्स हु डज दिस शुड बी पब्लिकली शेम्ड। बेसिकली ध्रुव राठी ने ये कह दिया कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो भाई अपने गवर्नमेंट को प्रमोट कराना चाहती है, एंड ऑल्सो यार जो यूट्यूबर्स इस चीज को प्रमोट करेंगे, जो गवर्नमेंट की बात मानेंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ऐसा कहना है ध्रुव राठी का। तो इसी चीज पे भाई अभी के टाइम पे ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। कमेंट में भी यार लोग यही कह रहे हैं कि भाई कहीं पर भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चीज को मेंशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है उस स्कीम को बताना है लोगों के बीच में कि वो स्कीम है क्या एक्चुअली। इस चीज पे काफी सारे यूट्यूबर्स ने यार रिएक्ट भी किया, जैसे कि सबसे पहले तो यार जो पीपॉय है उन्होंने तो भाई लिटरली ध्रुव राठी को पूरा ही एक्सपोज कर दिया है। किस तरीके से एक्सपोज किया वो मैं आप लोग बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर वो ध्रुव राठी को टैग करके कहते हैं, ध्रुव राठी इट्स फनी हाउ यू मिस द पार्ट वेयर उत्तर प्रदेश प्लान्स मिरर द आम आदमी पार्टी पंजाब इन्फ्लुएंसर्स एंपावरमेंट पॉलिसी 2023 ऑफरिंग 8 लाख टू इन्फ्लुएंसर्स विद ओवर अ मिलियन सब्सक्राइबर व्हेन आम आदमी पार्टी यूज्ड टैक्स पेयर्स मनी फॉर द सेम पर्पस यू कन्वेंटली इग्नोर्ड इट व्हाई ऑलवेज अ सेलेक्टिव आउटरेज ब्रो और डज इट ओनली काउंट एज लीगलाइज्ड ब्राइबरी व्हेन इट्स नॉट योर फेवरेट पार्टी रूलिंग द स्ट्रिंग्स लेट्स बी फेयर शॉल वी टॉक लॉजिक एंड नो बायस फेयर। बेसिकली पीपल ने एक्सपोज कर दिया ध्रुव राठी को कह के कि भाई ये जो स्कीम है ये सबसे पहले खुद आम आदमी पार्टी ने ही निकाली थी पंजाब के अंदर, तो आप उसके बारे में बात क्यों नहीं किए 2023 में। अरे भी जब बीजेपी ने ये चीज को किया तो आपको बीजेपी पसंद नहीं है, इसीलिए आपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को बुरा भरा बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड ये चीज सबसे पहले तो खुद आम आदमी पार्टी ने ही किया था, जहां पर उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स एंपावरमेंट करके एक पॉलिसी चलाई थी जहां पर वो खुद 8 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे थे यही सेम गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए। इतना ही नहीं भाई, इस लफड़े के अंदर हमें फ्लाइंग बीस्ट की भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिली, जिसमें वो ध्रुव राठी का रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, शुड ऑल न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल्स बी आल्सो शेम्ड हु शो पेड एड्स टू प्रमोट एनी गवर्नमेंट इन पावर। बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट ने यही कहा कि जो न्यूज़पेपर है, जो टीवी चैनल है, क्या उन्हें भी बायस बोल दिया जाए कि वो भी प्रमोट कर रहे हैं एड्स दिखा के गवर्नमेंट को। बाकी आप लोगों का क्या रिएक्शन है भाई यूट्यूबर्स वर्सेस ध्रुव राठी के इस लफड़े के बारे में, मुझे अपनी ओपिनियंस को आप लोग भाई कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं पूरव झा के बारे में। तो भाई पूरव झा नॉमिनेट हुए हैं एंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए मेल कैटेगरी में, एंड इसी चीज पे भाई वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई प्लीज यार मुझे एक अवार्ड तो जिता दो। क्या कुछ कहा उन्होंने देखिए आप लोग। हम भी तो एक अवार्ड डिजर्व करते हैं यार, हैं? क्या हम आपको एंटरटेन नहीं करते? आपको पता है लास्ट अवार्ड में कब जीता था?
चौथी क्लास में जब मैंने अपना अटेंडेंस पूरा किया था ना, कि पूरे साल आया था तो उसका अवार्ड मिला था, वो घर पे रखा हुआ, उसके बाद कभी कुछ नहीं जीता। तो आज है वो मौका जो आप मेरे को एक अवार्ड जिता सकते हो, एंटरटेनर ऑफ द ईयर। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें एंटरटेन किया है, हंसाया है, मजे कराए हैं, तो ये रहा लिंक, जाओ थोड़ा सा एफर्ट दे दो और वोट कर दो, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए यार मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हार गए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।